हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शुभ जी भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी आपको फ्री नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना बोलना दोस्तों बिल्कुल फ्री है। चलिए सब शुरू। दोस्तों, शादी एक लड़का या लड़की का सपना होता है। वो हमेशा चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर बेस्ट हो। अगर सही लाइफ पार्टनर मिलता है तो लाइफ बन जाती है, तो गलत लाइफ पार्टनर मिले लाइफ बिगड़ जाती है। डिवोर्स, कोर्ट केसेस, पैसे का लॉस, टेंशन, डिप्रेशन होता है। इसलिए कहते हैं हमेशा कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरे पास कुंडली आती है, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा मूलांक को पहले चेक करने की। अगर मूलांक अच्छे दोस्त बन रहे तो हमेशा मैं यस करके फिर कुंडली चेक करता हूँ। दोस्तों, प्राइमरी होता है आप अपना मूलांक कौन से मूलांक वाले के साथ मैच करेंगे। दोस्तों, तो आज बात करूंगा मूलांक सात के साथ कौन से मूलांक वाले अच्छे रहेंगे मैरिज के लिए। दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर मूलांक को रहेगा आपको नहीं पता तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे प्ले लिस्ट जाके मूलांक पे प्ले लिस्ट जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप आसान सी बात समझे, आप किसी महीने में 7 तारीख को, यहाँ पर 16 तारीख को, 25 तारीख को जन्म है तो आपका मूलांक 7 होता है। 7 नंबर होता है केतु का या फिर नेपच्यून का। केतु का धड़ होता है शनि हो, तो जिस भी प्लैनेट इनके साथ आता है उस प्लैनेट की तरह ये लोग बिहेव करने लगते हैं, उसका सर लेने लगता है। दोस्तों, और नेपच्यून भी जो भी था दोस्तों, ऑलमोस्ट दोनों सेमी प्लैनेट हमारे अंक ज्योतिष में कहते हैं। दोस्तों, आप दोस्तों कौन से मूलांक का शादी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं 9 नंबर पे। आप किसी महीने 9 तारीख को, 8 तारीख को, 27 तारीख को जन्म है तो आपका मूलांक 9 होता है। 9 के साथ केतु, देखिए केतु का बहुत लोग कहते हैं केतु शनि की तरह, केतु हमेशा मंगल की तरह बिहेव करते हैं, तो केतु के साथ मंगल का जो कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों मैरिज के देखा जाए तो ठीक ठाक होगा। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। इसलिए आप कोशिश करिए अगर 9 को अवॉइड कर सकते हो ठीक है, नहीं तो कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं 8 के साथ। 8 नंबर, आप किसी महीने 8 तारीख को, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 17 तारीख को, या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर 26 तारीख को जन्मे तो आपका मूलांक 8 होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर 8 वाले इतना बढ़िया नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 बहुत ज़्यादा स्टिक होता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ चलना पसंद करते हैं, और आप लोग दिल से सोचने वाले होते हैं दोस्तों, शक्की किस्म के होते हैं। और 8 नंबर को थोड़ा सा जिद्दी बन होता है, जिसके कारण से 8 के साथ 7 की बहुत अच्छी नहीं बनती, एक सम्मिलेशन यहाँ पर कहा जा सकता है। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों 7, ये बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का गोल, दोनों का मोटिव, दोनों का पसंद, बातें सब कुछ एग्जैक्ट है। दोनों सर्च करेंगे, दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार जताएंगे, तो 7 नंबर के साथ 7 नंबर की दोस्ती बहुत ही बढ़िया रहता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से तो बहुत ही बढ़िया रहता है 7 के साथ 7 की। अब आता है 6 नंबर पर। देखिए किसी महीने में दोस्तों आप 6 तारीख को, यहाँ पर 15 तारीख को, या फिर 24 तारीख को जन्म है तो 6 होता है। 6 के साथ 7 का मैरिज बहुत ही बढ़िया होता है, कहने के साथ शुक्र होता है। और दोस्तों यहाँ पर शुक्र जो देवताओं के, दानवों का गुरु होता है दोस्तों, और यहाँ पर केतु भी दोस्तों दानव भी है, जिसके कारण से चेला हमेशा गुरु के पास रहना पसंद करते हैं। तो कहने 6 का बाद मान के, 6 का बाद जान के उनकी तरह बिहेव करना, 6 भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है, तो कहने के 6 के साथ रह के इनका कहने की लक बहुत ज़्यादा फेवर करता है और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर 5 के साथ आते हैं, देखिए दोस्तों 5, अब किसी महीने 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को जाना तो आपका मूलांक 5 होता है। तो 5 बल होते हैं बुध, राजकुमार, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुशनुमान होते हैं, लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इस तरह के बिहेवियर कहने केतु डिपेंड पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, केतु से चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 5 के साथ 7 के साथ ही बहुत ही बढ़िया होता है, कहने के ये बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होता है दोस्तों एक दूसरे के लिए। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पर। किसी महीने में 4 तारीख को, 14 तारीख को, 22 तारीख को, 21 तारीख को जन्म हो तो आपका मूलांक 4 होता है। देखिए 4 नंबर होता है राहु, राहु जो सर होता है, और केतु दोस्तों जो यहाँ पर आपका धड़ होता है, तो सब भी दोस्तों राहु केतु एक साथ आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। कोई भी आपके न्यूमरोलॉजी के चार्ट में कहीं पर भी राहु केतु एक साथ जब भी आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो कहीं ना केतु को साथ ही मिल गया दोस्तों, अपना सर कहाँ पर जाए, कहाँ पर ना जाए, आप पर दिमाग लगाने के लिए दोस्तों राहु को शरीर मिल गया है कहाँ बाकी काम करने के लिए दिमाग के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। 4 के साथ 7 की कॉम्बिनेशन ऑन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर कह सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों 3 के साथ, आप किसी में 3 तारीख को, यहाँ पर आप लोग 12, 21 और 30 तारीख को जन्म है तो आपका मूलांक 3 आता है। तो 3 वाले बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लीडरशिप क्षमता इनके साथ बहुत ज़्यादा होती है, और केतु इस तरह के बिहेवियर पसंद करने वालों में से एक होता है। दोस्तों कहने की ज्ञान की बात है, ज्ञान की नॉलेज जानने वाले, रिसर्च करने वाले, रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहने के 3 के साथ 7 की बहुत सम रिलेशन यहाँ पर कहा जा सकता है। दोस्तों अब आते हैं 2 नंबर पर।
दो नंबर होता है दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा का। आप किसी महीने में 2 तारीख को, यहाँ पर 11 तारीख को, यहाँ पर 29 तारीख को, 20 तारीख को जन्म हो तो आपका मूलांक 2 होता है। 2 के साथ 7 का मैच बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि दोनों ही इमोशनल से चलने वाले होते हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेंगे, प्यार मोहब्बत इश्क बहुत ज़्यादा रहता है। 2 के साथ 7 के साथ ही बहुत ही बढ़िया होता है, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखा जाए तो। बहुत लोग कहते हैं कि 2 का जो एक ही कॉइन के 2 सिक्के, एक ही पहलू के 2 सिक्के होते हैं, मतलब जो हेड है तो टेल, टेल है तो हेड, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसके बाद आते हैं दोस्तों नंबर 1 शुरुआती नंबर है न्यूमरोलॉजी में, तो आप किसी महीने 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को जन्म है तो आपका मूलांक 1 होता है। 1 होता है सूर्य राजा, तो राजा के साथ रहना कौन नहीं पसंद करता शनि के अलावा दोस्तों। केतु राजा के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता क्योंकि दोस्तों जब भी दोस्त राजा के साथ रहेंगे अपना बिहेवियर राजा की तरह करेंगे, राजा के साथ हार्ड बात करेंगे और बहुत ज़्यादा ओरिजिनल अपना खुद का आइडिया लाएंगे, खुद का कुछ करने की कोशिश करेंगे, कॉपी करने की नहीं कोशिश, बिकॉज छाया प्लैनेट है। जब भी दोस्तों ओरिजिनल के साथ रहे कहीं ओरिजिनल काम करने की कोशिश करेंगे, नया दिमाग में बुद्धि आएगा, तो 1 के साथ 7 का मैच बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। तो कौन कौन से का आपका मैंने 1 के साथ 7 का मैच बढ़िया होता है, 1 के साथ 2 का मैच बहुत ही बढ़िया होता है, 1 के साथ 7 के साथ 3 का मैच सम होता है दोस्तों। इसके बाद 7 के साथ 4 का मैच बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों, 7 के साथ 5 का मैच बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों, 7 के साथ 6 का मैच बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों, 7 के साथ 7 का मैच यहाँ पर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया होता है, 7 के साथ 8 का मैच सम होता है।